सिरमौर जिला के पौंटा साहिब में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दुकानों का निरीक्षण किया गया। प्रशासन द्वारा गठित विशेष टीम ने दुकानों की जांच कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। तहसीलदार ऋषभ शर्मा की अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की भी अपील कर रहा है। बावजूद इसके अगर कोई दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने शहर में किए गए अवैध कब्जों को लेकर भी कार्रवाई करने की बात कही। स्वच्छता ही सेवा जो है वीक मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और हमने इनको पहले भी बहुत हिदायतें दी है। आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से गंदगी फैलाई है। पॉलिथीन जो कि काफ़ी पहले बैन हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, वो ये यूज़ कर रहे हैं कुछ शॉप ओनर्स, तो उसके संदर्भ में आज हमने कई जगह छापेमारी भी की है। तो हमने चलांस भी किए जहाँ जहाँ हमें जो है पॉलिथीन मिली, और हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है मिनिमम मतलब जीरो इसका पॉलिथीन का यूज़ करें। किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार के जो पॉलिथीन यूज़ करते हैं या गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ जो है नो टॉलरेंस पॉलिसी जो है रखी जाएगी। किसी प्रकार को किसी को भी जो है इस तरह नहीं बख्शा जाएगा।